सीए को लेकर जहां एक तरफ डर गैंग एक्टिव हो गया और वो देश में नफरत का माहौल तैयार करने में अब जुटा हुआ है, तो वहीं ये कानून ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाने की वजह से भारत आ गए थे और पिछले कई सालों से कई वर्षों से भारत की जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के नागरिक नहीं, कई वर्षों से भारत में शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे इन लोगों के लिए ये कानून एक नई उम्मीद लेकर आया है। सकते हैं कि छोटे बड़े सब बहुत खुश हैं, मोदी सरकार का, गवर्नमेंट सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों था 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है। तो हमारे देश में आ गए प्रताड़ित होके हम उनको नागरिकता देने का निर्णय ले लेते। पुराने दिन तो हम भूल गए, आज तो नागरिकता मिल गए, पुराने दिल तो गए हमारे, आज नए दिन आ गए। ये देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन ऋणी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। देश का प्रधानमंत्री कहता हूँ आज हमें ये खुशी मिली है कि हमें सिटीजनशिप मिली रही है, देश का प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, ये नागरिकता प्रदान करने का कानून है। जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी की गारंटी एक बार फिर देश के सामने सिद्ध हुई है। तहे दिल से मोदी जी का और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों का काम कर दिया। लागू होने पर देश भर से जश्न की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो डर गैंग को डराने वाली है। जो लोग नागरिकता कानून को लेकर वर्षों तक एक तबके को गुमराह करते रहे और नागरिकता छिन जाने का भ्रम फैलाते रहे, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए जवाब है। नागरिकता कानून देश में लागू हो चुका है, इसके आने से किसी की भी नागरिकता तो नहीं छीनी, लाखों ऐसे लोगों को नागरिकता जरूर मिलेगी जो पिछले कई वर्षों से देश में शरणार्थियों के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सीएए लागू होने के बाद अब ये लोग जश्न मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। नागरिकता नहीं थी तब क्या दिक्कत आ रही थी? नागरिकता नहीं थी उसी में हमारे पास बहुत दिक्कतें आ रही थी, हमारे बच्चों की एडमिशन के लिए दिक्कत आ रही थी और हमारे राशन कार्ड नहीं थे जिसे में हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे। मूल सुविधा रहती है इंसान को, महिलाओं को गैस चूल्हा जो भी मूल सुविधा रहती है वो नहीं मिल पा रही थी, तो अभी हम उम्मीद है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे तो अब कुछ सब कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो सब लोग कह ही रहे हैं। जय श्री राम। एक तरीके से पूरे जितने भी पाक विस्थापित लोग आए हुए उनकी तरफ से हम मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये खुशी का पल दिया है, जो
और अपनी मेहनत करके ही गुजारा किया है। किसी ने भी आज तक हमें कोई फंड से कोई नहीं मिला है। चलो आज हमें ये खुशी मिली है कि हमें सिटीजनशिप मिल ही रही है। देश का प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद कर रहे हैं और गृह मंत्री जी का कि अभी तो हमें कुछ ना कुछ सुविधाएँ मिली जाएंगी, उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इंसान जो उम्मीदों में भी कायम रहता है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक बड़ी संख्या में शरणार्थी सीए लागू होने का जश्न मना रहे हैं। कहीं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो कहीं मोदी मोदी, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और ये लोग मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं जो उन्हें नागरिकता देने के लिए ये कानून लेकर आई है। देश के अलग अलग शहरों में लाखों की संख्या में रिफ्यूजी हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश में अफगानिस्तान के करीब 3,469, बांग्लादेश के 1,03,817 और पाकिस्तान के 8,799 रिफ्यूजी हैं। सीएए कानून आने से इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जब हम कानून ला रहे थे तब तो वो उसका विरोध कर रहे थे और आज उनको ये लग रहा है कि और पहले लागू हो जाना चाहिए था। जब विलंब से लागू हो रहा है तब भी उनको आपत्ति है और जब हम कानून बना रहे थे तब भी ये लोग गला फाड़ के उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसकी प्राथमिकता पर नहीं जा रहे किस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया। हमने बार बार स्पष्ट, हमारी सरकार ने किया, माननीय गृहमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, ये नागरिकता प्रदान करने का कानून है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, CAA देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। CAA लागू होने के बाद आज जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मजनू का टीला में शरणार्थियों से मिलने पहुंचे तो इन लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर अपनी खुशी जताई। उन्होंने इन शरणार्थियों को मकान दिलाने का भी आश्वासन दिया। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सब लोगों को जो हमारे देश में आ गए प्रताड़ित होके, हम उनको नागरिकता देने का निर्णय ले लिए। जय भारत माता। दूसरे देशों से आकर भारत में रह रहे इन शरणार्थियों के लिए मोदी सरकार का ये फैसला एक सपने के पूरा होने जैसा है। इन लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब ये लोग भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। पाकिस्तान से आकर नोएडा में रह रही सीमा हैदर ने भी CAA लागू होने पर खुशी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें भी जल्द ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री कैसा हो? योगी मोदी जी की जय। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन ऋणी रहूंगी। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में जहां पाकिस्तान से आए विस्थापितों की बड़ी संख्या है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग डांस करके खुशियां मना रहे हैं। CAA लागू होने के बाद इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता की राह खुल गई है। इन लोगों का कहना है कि CAA लागू करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी पूरी कर दी है। मोदी जी और राजनाथ सिंह और अमित शाह जी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे लिए CAA कानून लागू किया है और हमारे परिवार और हमारे जनता का सुधार किया है, नोटिफाई कर दिया है। ऐसे सारे विस्थापित लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे,
वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने के बाद मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हीं के राज्य में मतुआ समुदाय के लोग सीएए लागू होने पर खुशी मना रहे हैं। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो चुका है, वहां रहने वाले मतुआ समुदाय के ये लोग पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों की आबादी करीब 30 लाख है और सीएए लागू होने से ये सभी काफी खुश हैं। इसके अलावा असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में बांग्लादेश से आए बंगाली समुदाय के लोग भी सीएए लागू होने पर जश्न मना रहे हैं।